मैं जीवी पटेल, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? ये प्रदर्शन और ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम पिछले 15 सितंबर से हम लोग लगातार कर रहे हैं, विभिन्न चरणों के माध्यम से कर रहे हैं। इससे पहले हमने 15 तारीख से नियमानुसार कार्य एवं उसके अलावा 17 तारीख को समस्त खंडों पे और 22 तारीख को समस्त प्रदेश के समस्त जनपदों पे एक दिन का उपवास कार्यक्रम हम लोग रख करके ऊर्जा प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताने की कोशिश की हम लोगों ने कि ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से जो एक बड़ा कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उसको उन लक्ष्यों को पूरा करने में धरातल पर क्या परेशानियाँ आ रही हैं। चाहे नई सौभाग्य योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर विद्युत कनेक्शन देने की बात हो, चाहे लाइन हानियां कम करने की बात हो, आज इस जिस कार्य को अंजाम पहुंचाने के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण कड़ी कोई है तो वो जूनियर इंजीनियर है और प्रोन्नत अभियंता है। लेकिन न उसके सुरक्षा की कोई की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त मात्रा में जूनियर इंजीनियर या अन्य लोग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कार्मिक लगाए जा रहे हैं, जिससे दिन रात दुगनी चौगुनी मेहनत करने के बाद भी मालूम चला जूनियर इंजीनियर लक्ष्यों को पूरा कर नहीं पा रहा है। उसके ऊपर विभागीय कार्रवाइयाँ अलग से हो रही हैं, लगातार मारपीट की घटनाएं आप देख रहे हैं। अभी 18 तारीख को कासगंज में माननीय विधायक जी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती आगे की क्या रहा? नहीं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम चरणबद्ध तरीके से आज हमारा समस्त पूरे प्रदेश के जितने भी जोन हैं वहां पर 48 घंटे का सामूहिक उपवास कार्यक्रम के माध्यम से ध्यानाकर्षण किया जा रहा है। और यदि नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी हम लोग 48 घंटे का सामूहिक उपवास करेंगे और ध्यानाकर्षण कराएंगे ऊर्जा प्रबंधन और मुख्यमंत्री जी का। और फिर भी यदि नहीं होता है तो आगे हम लोग कोई और इससे बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा करेंगे।